बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसा कि आपने वीडियो के स्टार्ट में देखा कि आज हम जा रहे हैं पिकनिक पे। जैसे मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि हमने प्लान किया था थर्सडे नाइट में कि हम जाएंगे पिकनिक पे, तो यहाँ पर चल रही है उसी की तैयारी। यहाँ पर मैंने दिया है 1/2 kg बोनलेस चिकन, और उसमें मैंने डाला है 1 चाय का चम्मच जो है लहसुन अदरक का पेस्ट, तकरीबन 1 ही चाय का चम्मच डाला था नमक का, और 1 कप पानी डालकर मैंने इसको मिक्स किया है अच्छे से। और अब जो है 1 चम्मच मैंने डाल दिया है सिरका, और बस इन चीज़ों को मिक्स करेंगे, चूल्हा चलाएंगे और इसी पानी के अंदर ही इसको हमने बॉईल करना है। हमें इसका स्टॉक नहीं बनाना, इस पानी को बिल्कुल ड्राई कर देना है ताकि चिकन जो है वो अच्छे से गल जाए। दूसरी साइड पर मैं करने लगी हूँ स्टीम स्वीट पोटैटो यानी शकरकंदी की, जो कि सर्दियों का मेरा मोस्ट फेवरेट जो है वो आइटम है। तो मैंने प्रेशर में नीचे पानी डाला है और उसके अंदर मैंने डाली है 2 चम्मच चीनी, और उसके ऊपर स्टैंड लगा कर मैंने रख दी है स्वीट पोटैटो, और इसको लगाऊंगी प्रेशर ओनली फॉर 10 मिनट्स। अच्छा जी, अब यहाँ पर जो नेक्स्ट आइटम है वो है मुझे पैटीज बनाना है, उसकी कर रही हूँ मैं फिलिंग रेडी। तो 2 खाने के चम्मच मैंने बटर लेकर उसको मेल्ट कर लिया था, और उसके अंदर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है। मैंने जो पेस्ट डाला है उसमें सब्ज़ मिर्च भी ग्राइंड है, बट आप सिर्फ लहसुन अदरक का पेस्ट ही डालिएगा। उसके बाद मैंने उसको हल्का सा ब्राउन किया, उसके अंदर मैंने डाल दिया है 1 लार्ज साइज़ का अनियन है जिसको चॉप किया हुआ है, इसको हमने अच्छे से कर लेना है फ्राई। इतना फ्राई करना है कि ये ट्रांसक्यूरियंट हो जाए, मींस ब्राउन कलर नहीं करना, हमने इसको वाइट ही रखना है। अच्छा, अब जो मैं आपको एक अहम चीज़ बता दूं कि 2 तरह से लोग बनाते हैं। एक रेसिपी ये है कि बटर में पहले बेसन जो है मैदे को अच्छे से फ्राई कर लिया जाए, उसके बाद उसमें मिल्क डालकर उसकी सॉस बना लेते हैं, और उसके बाद उसमें चिकन वगैरह जो है वो ऐड किया जाता है। बट मैं पहले लहसुन अदरक को फ्राई करूँगी, उसके बाद उसमें प्याज फ्राई किया, फिर चिकन का जो 1 कप मैंने चिकन डाला था जो हमने किया था कुक, उसको रेशा रेशा करके वो डाल के मैंने उसको भूना, और उसके बाद मैंने इसमें 2 खाने के चम्मच लेवल रख के डाला है मैदे का। अब इसको अच्छे से मिक्स करना है, अच्छे से भून लेना है, इतना कि जो बेसन का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। अच्छा, इस तरीके से जो है वो ये मिक्सचर या फिलिंग बनाने से एक फ़ायदा ये होता है कि एक तो चिकन का और प्याज का जो कच्चापन है वो नहीं आता, वो फील नहीं होता, और दूसरा जब हम इसमें मिल्क ऐड करते हैं तो लम्स वगैरह नहीं बनते, जैसे कि मैदा और दूध को मिक्स करने में स्टार्ट में अगर हम डालते हैं तो लम्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, बट अगर आप एंड पे दूध डालते हैं तो फिर उससे जो है वो लम्स नहीं बनते, और सेकंड्स में ये हमारी फिलिंग जो है वो तैयार हो जाएगी। दूध डालकर आपने मिक्स करना है, और साथ के साथ ही जो है आप देखेंगे कि ये सारी फिलिंग जो है वो बॉटम जो है उसको छोड़ देगी। उसके बाद आपने नमक मिर्च को अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। कोशिश करें मैदा और दूध डालने से पहले ही नमक मिर्च जो है उसको चख लें, ताकि बाद में मिक्सिंग जो है वो बड़ा प्रॉब्लम कर देती है। अब यहाँ पर मैंने ले ली हैं पफ पेस्ट्री शीट्स ले ली हैं, मेरे पास स्क्वायर वाली हैं, और मैं इसी से पैटीज बनाऊंगी। इसके अंदर दरमियान में शीट लगी होती है इनको सेपरेट करने के लिए, तो जो ड्राई साइड होती है उसको आपने नीचे कर देना है, और जो थोड़ी सी ज़रा वेट साइड होती है उसको ऊपर करेंगे, और 1-1 चम्मच खाने का हम इसके अंदर फिलिंग को डालते जाएंगे। उसके बाद एग वॉश लेंगे और उसको 2 साइड्स पर लगाएंगे इस तरह से कि ये ट्राइंगल साइड बन जाए, और फिर उसके बाद इसको दोनों साइड्स को आपस में मिलाकर कंबाइन कर देंगे। एग वॉश की वजह से अच्छी सी इसकी बाइंडिंग हो जाएगी। हल्का सा हाथों से आपने प्रेस करना है, और बहुत आसानी से जो है वो ये जो हमारी जो पैटिस की शेप है वो आ जाएगी। अच्छा, मैं ट्रायंगल शेप में बना रही हूँ, अगर आपके पास जो राउंड वाला पैटिस कटर होता है वो हो तो आप राउंड शेप में बना सकते हैं, बट उससे क्या होता है कि साइड्स जो है ना वो वेस्ट चली जाती हैं, तो इसलिए फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं इसी शेप में बना लूँ। तो कटर वैसे भी जो है वो फ़िलहाल मेरे पास यहाँ पर है भी नहीं, पाकिस्तान में है, यहाँ नहीं लिया अभी तक, क्योंकि मैं इसी तरह से जो है ना वो ट्रायंगल ही इसको शेप दे दूंगी ताकि किसी भी कटर की ज़रूरत ना पड़े।
तो अब यहाँ पर हरीम पहुँच चुकी है किचन में। हरीम को इस तरह के काम करने का बहुत शौक है, उसको मैं जितना मर्ज़ी मना कर लूँ बट उसको होता है कि मामा मुझे आपकी हेल्प करनी है, और हर काम के अंदर उसको अपनी टांग ज़रूर अटकानी होती है। तो फिर मैं उसको बार बार हैंड कहती हूँ जब कि वॉश करके आओ वॉश करके आओ, तो वो फिर उसको बड़ी इरीटेशन होती है कि मामा अब भी तो वॉश किए थे। लेकिन मैं उसको कहती हूँ कि जब भी आपने किसी भी चीज़ को टच करना है तो हैंड लाजमी वॉश करनी है। तो अभी उसने क्योंकि एग को हाथ लगाया था तो मैंने उसको भेजा कि चलो हैंड वॉश करके आओ, और फिर उसने आकर जो है ना वो यहाँ पर जो मैं ट्रे को ग्रीस कर रही थी बटर के साथ, तो अगेन उसने बटर को हाथ से टच कर उसको स्प्रेड करना स्टार्ट कर दिया। तो मैंने फिर उसको भेजा कि चलो अब अगेन जो है ना वो हैंड वॉश करके आओ। तो साथ में अब ये मुझे हेल्प आउट कर रही है इनकी सेटिंग करने में, और उसको यहाँ पर लग रहा था जैसे बहुत ही मज़े का कोई काम है, जैसे कोई पेंटिंग या मेकअप करने वाला काम है ब्रश की मदद से। तो मैं बड़े आराम से जो है ना वो इसके ऊपर एग जो है वो लगा दूँगी। तो लेकिन जब करना पड़ा है तो फिर उसको लगा कि मामा ये तो सही मेरे से सही तरह से हो नहीं रहा। फिर मैंने कहा कि बेटा इसीलिए हर काम जो है ना वो बच्चों के करने वाला नहीं होता, लेकिन जब बच्चे ये काम होता हुआ देख रहे होते हैं तो उनको यही लग रहा होता है कि जैसे ये तो बहुत ही कोई आसान काम है, हम तो मिनटों में कर लेंगे। बट जब करना पड़ता है ना फिर आइडिया होता है कि नहीं इतना भी आसान नहीं है जितना कि देखने में लग रहा है। तो खैर मैंने यहाँ पर दो ट्रेस ली थी, उनके अंदर मैंने उनको पहले अच्छे से बटर के साथ ग्रीस कर लिया था दोनों को। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि आप बटर पेपर लाजमी लगा लीजिएगा। मेरे पास बटर पेपर नहीं था तो मैंने एज इट इज़ जब जो है वो रखी हैं तो बटर लगाने के बावजूद जो है वो स्टिक हो गई थी। अच्छा अब आ जाते हैं हम सैंडविचेस बनाने की तरफ। तो यहाँ पर मैंने सैंडविच जो ब्रेड होती है वो ली है। आप भी कोशिश कीजिएगा सैंडविच जो सैंडविच ब्रेड है वो ही लें, क्योंकि जो आम मिल्की ब्रेड जो हम ब्रेकफास्ट में यूज़ करते हैं उसका स्पंज जो है वो थोड़ा इतना सॉफ्ट होता है कि वो टूटने का डर होता है। बट जो सैंडविच ब्रेड का स्पंज होता है वो थोड़ा सा जो है ना वो भरा भरा सा, और मीन्स इस हिसाब से वो थोड़ा इजी टू मैनेज होता है कि जब आप उसके सैंडविचेस बनाते हैं या कोई भी उसको शेप दे रहे होते हैं तो उसके टूटने की टेंशन नहीं होती। तो यहाँ पर मैंने सब एजेस जो हैं वो रिमूव कर दिए हैं, इनको मैं ड्राई करूँगी एजेस को, उसके बाद मैं उनके ब्रेड क्रम्स बना लूँगी ताकि वेस्ट ना हो, और बाकी जो ब्रेड के जो स्लाइसिस हैं उनको हम सैंडविचेस के लिए यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर हम बनाएंगे चिकन स्प्रेड। मैंने जो चिकन स्टार्ट में आपको बताया था बॉयल किया था उसमें से हाफ जो है 1 कप चिकन मैंने यूज़ किया था पैटीज़ की फिलिंग के अंदर, और दूसरा 1 कप जो है वो हम इस चिकन स्प्रेड में यूज़ करेंगे। तो मैंने 2 खाने के चम्मच लिया है मेयोनेज़ का, और 2 ही खाने के चम्मच मैंने लिए हैं जो क्रीम चीज़ होती है पक की वो लिए हैं। इसमें मैंने डाला है 1/2 टीस्पून सॉल्ट एंड 1/2 ही टीस्पून मैंने इसके अंदर जो है वो वाइट पेपर का डाला है। आपके पास वाइट पेपर नहीं है तो आप ब्लैक पेपर डाल सकते हैं। इसके बाद जो श्रेडेड चिकन था वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अच्छा अब यहाँ पर आप अगर चाहे तो इसको एज इट इज़ भी रख सकते हैं सिंपल प्लेन फॉर्म में, या फिर आप इसके अंदर कुछ सॉसेस जो हैं वो ऐड कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर जो केचप है सॉरी मायो वाली केचप होती है जो वो मैंने ऐड की है। इसके अलावा मैंने इसके अंदर जो है 1 टीस्पून केचप का डाला है और 1/2 टीस्पून जो है वो मस्टर्ड सॉस का डाला था ताकि थोड़ा सा फ्लेवर आ जाए, और उन सब चीज़ों को मिक्स कर लिया। सबसे पहले हमने स्लाइस के ऊपर जो चिकन स्प्रेड है वो लगा दिया, उसके ऊपर बॉयल एग के स्लाइसेस लगा दिया, फिर जो लेटस लीव्स हैं इनके जो हार्ड वाले स्टेम्स होते हैं वो मैंने रिमूव कर दिए थे, और फिर वो रखकर अगेन ऊपर से एक स्लाइस लगाया है। अब क्योंकि जो ब्रेड थी वो फ्रिज में पड़ी हुई थी तो इसको थोड़ा सा मैंने सोचा कि मैं टोस्ट कर लूँ। आप चाहें तो इनको एज इट इज़ भी यूज़ कर सकते हैं बट मैंने इनको हल्के से ऑयल के अंदर जो है वो कर लिया था मीन्स टोस्ट कर लिया था ताकि अच्छा सा गोल्डन सा कलर जो है इन सैंडविचेस का आ जाए और क्रंची भी रहे, और जो ठंडे हो गए थे फ्रिज में रखने की वजह से और हार्ड हो जाते हैं वो भी सेट हो जाएंगे। तो यहाँ पर अब मैं इनको हाफ हाफ कर लूँगी और बड़े ज़बरदस्त से क्रंची से हमारे सैंडविचेस जो हैं वो बनकर तैयार हो चुके हैं। पैटीज भी हमारे रेडी हैं। अब यहाँ पर जो है मुझे सब चीज़ें पैक करनी है। जो स्वीट पोटैटो मैंने स्टीम किया था उसमें मैंने जस्ट नमक और चाट मसाला और ऑरेंज जूस डाला था, थोड़ा सा लेमन डालकर मैंने उसको अच्छे से मिक्स कर लिया। तो ज़बरदस्ती मेरी जो स्वीट पोटैटो चाट है वो बनकर तैयार हो गई थी। अब सैंडविचेस में डाल रही हूँ कंटेनर में, और उसके बाद बाकी सब चीज़ें भी हम रेडी कर लेंगे। साथ में लेके जाने के लिए मैंने कॉफ़ी बनाई थी। यहाँ फ्लास्क के अंदर जो है वो मैं डालूँगी बॉयल करके मिल्क को, ताकि जितनी देर तक भी ये
आसानी से जो है ये गर्म रह जाए। वैसे तो जितनी वहाँ पर ठंड थी और हवा चल रही थी, मिल्क जो है वो बड़ी जल्दी ठंडा हो गया था, लेकिन फिर भी गुजारा हो गया। ये कॉफ़ी जो है वो मैंने बीच करके जार में डाल दी है, शुगर रख ली है, प्लेट्स, ग्लासेस, कप्स, बच्चों के स्नैक्स, पानी, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो हो गई है रेडी। तो हम चलते हैं पिकनिक पे। आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर देना है। अच्छा, जब हम यहाँ पर पहुँचे हैं तो भूख भी लग रही थी, क्योंकि नाश्ता मैंने तो बिल्कुल भी नहीं किया था और बच्चों ने भी सिर्फ कॉर्नफ्लेक्स खाए हुए थे। और वैसे भी जितनी ठंड थी, हमें यह डर था कि सब कुछ बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा। तो फिर फटाफट जो है वो आते ही हमने ये प्लान किया कि हम पहले कुछ खा पी लेते हैं और उसके बाद बच्चे आराम सुकून से अपना खेलते रहेंगे, और फिर ये टेंशन नहीं होगी कि बच्चों ने अभी तक जो है वो मीन्स कुछ खाया नहीं है, या उनको भूख लगी है, या बच्चे बार बार आकर ये तंग करें कि जी भूख नहीं, भूख लग रही है, कुछ खाने को दो। तो इसलिए पहले पेट भर देना चाहिए। तो ये है मेरी प्लेट जिसमें दो सैंडविचेस हैं, एक पैटीज है। सब कुछ बहुत मज़े का बना था। हमने आराम सुकून से पहले लंच किया, उसके बाद बच्चे जो है वो अपना एंजॉय करने चले गए। धूप थी लेकिन हवा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थी, तो जब तक धूप रही है तब तक तो काफ़ी सुकून था। बड़े मज़े से बैठकर हम लोगों ने एंजॉय किया, ऑरेंजेस वगैरह थे वो खाए, और फिर बाद में मैंने अपनी स्वीट पोटैटो चाट जो है वो एंजॉय की। बड़ा मज़ा आया, खट्टी मीठी सी चाट थी। और फिर जो है बस इस तरह से थोड़ा बहुत जो है वो साथ के साथ हमारा खाना पीना चलता रहा। यहाँ पर जो है ना बच्चे मैं देख रही थी कि बच्चों ये जो है वो किस चीज़ में इतने ज़्यादा मगन हो गए हैं। तो फिर मैंने जूम करके जब देखा तो कुछ लग रहा था कि बच्चों को कोई चीज़ मिल गई है जिसके साथ जो है वो कर रहे हैं प्ले। तो मैं ज़रा आपको पास से दिखाती हूँ कि बच्चे कर क्या रहे हैं। बच्चों ने खूब कैटो के साथ एंजॉय किया, उसको भर भर के खाना खिलाया। उतनी बेचारी को चाहे भूख नहीं लग रही थी जितना कि बच्चों ने उसको खिला छोड़ा बेचारी को। तो खैर यहाँ पर फिर बच्चे आ गए थे स्विंग्स वगैरह लेने के लिए, और स्विंग तो खाली होने का नाम नहीं ले रहा था। जो बैठ जाता था वो उतरता नहीं था, और बच्चे वेट करके फिर दोबारा किसी और एक्टिविटी में चले जाते थे। और यहाँ पर हो रही हैं स्लाइड्स। बच्चों को यहाँ पर हरीम को उसके स्कूल फेलोज़ मिल गए थे, क्लास फेलोज़ तो नहीं थे बट स्कूल फेलोज़ थे। एक बार पहले भी यहाँ पर मिलकर ये लोग प्ले कर चुके थे, कोई आई थिंक 3-4 महीने पहले। तो आज किस्मत से उनको फिर वही फ्रेंड मिल गए, और बहुत बच्चों ने जो है वो मिलकर फिर इंजॉय किया। बच्चों ने अच्छी जो है ना वो टाइम पास हो गया, गपशप भी उनकी हुई क्योंकि पाकिस्तानी फैमिली थी वो भी, और स्कूल फेलोज़ भी थे। तो फिर अच्छी कंपनी जो है वो हरीम को मिल गई। वैसे भी मेरे बच्चे इतनी माशाल्लाह से फ्रेंडली हैं कि जहाँ पे भी जाती हैं, पहली बार भी किसी से मिलती हैं तो इतनी ज़्यादा जो है ना वो हो जाती हैं फ्रेंडली कि लगता ही नहीं देख करके ये पहली बार मिल रहे हैं। तो यहाँ पर तो फिर उनकी खैर दूसरी मुलाकात थी। तो मैं भी आपको करीब से जाकर दिखाऊंगी इन बच्चों के काम के, ये बच्चे आखिर करना क्या चाह रहे हैं। तो चलें बच्चों के पास चलते हैं और ये देखें, यहाँ पर बच्चे हरम को जो है वो ये ब्रिज क्रॉस करवा रहे थे। हरम जो है वो उसको भी साथ में हर चीज़ में जो है वो पार्टिसिपेट करना होता है। अपनी एज के हिसाब से वो कोई भी काम नहीं करती, बस जो काम अपने से बड़े बच्चों को करता देखती है तो फिर उसका बहुत ज़्यादा दिल होता है कि वो भी वही काम करे। और यहाँ पर आप उसकी एक्साइटमेंट चेक करें, ऐसे खुश हो रही है जैसे कोई किला फतह करके आ रही हो। कौन सी बबल? हरम, लुक एट मामा, इधर देखो ना मामा किधर। यस एक्सक्यूज मी, व्हाट डू यू वांट? हरी, व्हाट आर यू डूइंग? यू नो इट कैन हर्ट यू। ओके, गिव दिस रैपर टू मामा, आई विल थ्रो इट इन डस्टबिन। अब उसने मुंह में डाल दिया, अब कैंडी ले लो जाके, कॉफी बनाओ। डू यू वांट टू टेक कॉफी? नो,
चलो ठीक है। और हरीम अहरम आपने नहीं अब जाना ऊपर, अच्छा यू कम विद मी, कम कहाँ। हरीम जो है वो हरम की वजह से डिस्टर्ब हो रही थी क्योंकि उसको अपने फ्रेंड के साथ प्ले करना था और हरम की लुक आफ्टर के चक्कर में वो कोई भी इंजॉय नहीं कर पा रही थी और सबके सब जो हैं वो हरम के अंदर जो है मसरूफ़ हो गई थी। तो फिर खैर बाद में इनकी पार्टी बन गई, दो अलहदा हो गई और दो अलहदा हो गई। तो हरम भी क्योंकि उनको छोड़ कर नहीं आना चाह रही थी और जो है हरीम चाह रही थी खुद इंजॉय करना। फिर मैंने कॉफ़ी बनाई, मैंने और हरीम ने कॉफ़ी पी हमने, लेकिन दूध ठंडा हो गया था, बच्ची के काम चल गया था। उसके बाद जो है हम बच्चे आ गए अपनी साइकिलिंग करने के लिए। यहाँ पर जो है हरीम आजकल प्रैक्टिस कर रही है एक हाथ से जो है वो हैंडल को बैलेंस करने के लिए। उसको बहुत शौक हो रहा है कि मैं एक हाथ से जो है वो साइकिल चलाना सीखूं, जिसकी वजह से वो इधर उधर जो है वो ज़िगज़ैग होती रहती है। और मैं उसको यही कह रही थी कि इस तरह के काम करोगी ना तो फिर आप गिरोगी और आपको चोट भी लग सकती है, लेकिन उसको जुनून सवार है, एक्सपर्ट होना है उसको एक हाथ से जो है साइकिल चलाने को। यहाँ पर बाप बेटी के अपने ही कोई मुज़ाकरात चल रहे हैं, जो है ठंड काफ़ी हो गई थी, वैसे भी सनसेट हो चुका था ऑलमोस्ट, और बच्चों को मैं कह रही थी कि अब हम लोग घर चलते हैं, बट बच्चों के जो है ना वो अभी तक इरादे ही नहीं थे घर जाने के। और हम क्यों नाराज हो गई, व्हाट हैपेंड माय बेबी, क्या हुआ जी बेटा, घर नहीं जाना, बहुत अच्छा साइकिल चलाता है मेरा बेटा। हाँ एक हाथ से चलाने के चक्कर में ना गिर ना जाता अम्मो। अच्छा बहना को ये कपकेक ओपन कर दो, बहना को कपकेक ओपन कर दो, हरीम अभी करके देती। ओहो उठाओ भाई हरीम कपकेक उठाओ, क्या हो गया एंग्री बर्ड, अब बताओ क्या हुआ, किससे नाराज हो, आपके फ्रेंड चले गए। हरीम रैपर उठा के डस्टबिन में थ्रो करके आओ, वो भी ले जाओ, वो भी ले जाओ, थैंक यू कौन बोलेगा। आर यू फीलिंग हंग्री, बच्चों का तो बिल्कुल भी मूड नहीं हो रहा था वापस घर जाने को, और हरम भी इसलिए सैड हो रही थी कि उसको घर नहीं जाना, और मैं इतना ज़्यादा थक चुकी थी एक दिन पहले भी जो रात में बाहर घूमते फिरते रहे उसकी भी थकावट थी। फिर सुबह से उठ के मैं पिकनिक की तैयारी में लगी हुई थी भागम भाग, और फिर यहाँ पर भी आकर काफ़ी देर से बैठे हुए थे, तो मैं चाह रही थी कि अब घर चलें। वैसे भी सनसेट की वजह से सर्दी भी ज़्यादा हो रही थी, हवा बहुत ठंडी हो रही थी, और ये भी टेंशन थी कि बच्चों को सर्दी ना लग जाए, बट बच्चों का तो पेट ही नहीं भरता जितना मर्जी वो बाहर घूम फिर लें इंजॉय कर लें। और मैं बार बार इनको यही कह रही थी कि बेटा ठंड लग जाएगी, हमें टाइम से वापस निकलना चाहिए, बट दोनों की साइकिलिंग ही ख़त्म नहीं हो रही थी। पता नहीं कौन से बच्चों में एनर्जी सेल्स होते हैं जो कि जिनकी एनर्जी ही डाउन नहीं होती, हमारे जैसे जो है ना इतना भागें दौड़ें या इतना साइकिल चलाएं तो हमारी तो वैसे ही बस हो जाती है। तो खैर हम बच्चे माशाल्लाह से फिट हैं, एक्टिव हैं और इन्जॉय करते हैं, तो हम भी इनके साथ मिलकर इन्जॉय कर लेते हैं। Lately I was feeling like I need a purpose, but when you talk to me, give me the impression that I won't scratch your surface, and I could walk for days searching for your praise, but is it even there to find? जी तो ये थी हमारी आज की पिकनिक, उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हमें अपने दुआओं में याद रखिएगा, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला, अल्लाह हाफिज़।